हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सिंघवी फ्रॉम लक्ष्य MBBS इंदौर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि नीट 2020 का जो एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। नीट 2020 एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को है, उसके लिए NTA ने एग्ज़ाम गाइडलाइन डिक्लेयर कर दी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस साल की नीट एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल एक स्पेशल हमारे पास COVID-19 जैसी सिचुएशन है, जिसके रहते हर स्टूडेंट्स हर पेरेंट्स ये डर में हैं कि हम एग्ज़ाम देने जाएं या कैसे हम उसका प्रिकॉशन लें या क्या हम करें कि हम उस एग्ज़ाम को भी दें और हम ये जो कोरोना का जो वायरस का जो डर बैठा हुआ है उससे भी बच जाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखना, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कि कैसे आप नीट 2020 एग्ज़ाम सेफ्टी के साथ दे पाएंगे। फ्रेंड्स, NTA डिक्लेयर किया है जो एग्ज़ाम गाइडलाइन, उसमें उन्होंने कुछ डूज एंड डोंट्स बताया है, या ये कह लीजिए कि उसने NTA ने बताया है कि आपको क्या अलाउ है और क्या बैंड है 13 सितंबर की एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, एज यू नो, एवरी ईयर का जो गाइडलाइन होता है वो एक सिंपल होता है, उसमें जो भी हम बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या करना है, उसके साथ साथ इस साल आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा कि जब आप नीट 2020 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि नीट 2020 13 सेप्टेम्बर को जब आप जाएंगे आपके सेंटर पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका नीट 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको वहाँ पर ले जाना है, साथ में आपको एक फ़ोटो आईडी ले जाना है सेंटर पर। ये दो चीज़ मस्ट है आपको आपके सेंटर पर ले जाने के लिए। उसके साथ साथ नीट 2020 एग्ज़ाम में आप इस कोरोना सिचुएशन में एक स्पेशल आपकी सेफ्टी के लिए जो बहुत ज़रूरी है, आपको ले जाना है मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र। मास्क ऐसा हो आपका जो आपकी नोज और आपका माउथ दोनों कवर करे, तो आप सेफ रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक का मास्क लगा लेंगे या छोटा सा मास्क लगा लिया, नहीं, आपका मास्क प्रॉपरली होना चाहिए जो आपकी नोज और माउथ दोनों को ही कवर करे। उसके साथ साथ आपको ग्लव्स मस्ट है, क्योंकि आप ट्रेवलिंग करके वहाँ जाएंगे, आपको नहीं पता है आपने किसी ऐसी चीज़ को छुआ है जहाँ पर किसी पेशेंट ने छुआ है, तो आपको वहाँ पर इन्फेक्टेड होने का खतरा नहीं होगा अगर आप ग्लव्स यूज़ करेंगे अच्छे से। उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल सैनिटाइज़र ले जाना बहुत ज़रूरी है। आपको वो सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क जब आप सेंटर में एंट्री करेंगे तो आपके पास होगा, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो ले जानी हैं। इसके साथ आपको वहाँ पर अपनी खुद का वाटर बॉटल ले जाना है, आपको वहाँ पर किसी का पानी नहीं पीना है, और वाटर बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट हो जिसमें पानी अच्छे से दिखे, आपका पानी का बॉटल आपको खुद ले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कि आपको क्या क्या ले जाना है। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही एग्ज़ाम के दिन एक सिंपल ड्रेस में जाना है। वहाँ पर आपको एक एक्सेस प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी या जो एकदम फंकी टाइप की ड्रेस होती है, इस टाइप की ड्रेस में नहीं जाना है, सिंपल ड्रेस में जाना है। और अगर आपका रिलीजियंस में आपका ऐसा कोई ड्रेस आता है जैसे बुरखा साड़ी, तो आप उसको अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है तो आप पहले से जाके आप उसकी परमिशन लें, आपको कैसे जाना है, कैसे आपको वहाँ पर चेक करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो NTA ने जो आपको बताया है कि ये करना है, बट इसके साथ साथ आपको क्या बैंड है इस पर भी ध्यान देना है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं ले जानी है, जैसे कि फूड। आप जब फूड ले जा रहे हैं, अगर आप कहीं दूर से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो आप अपना जो ब्रेकफास्ट है, जो भी आपको एडिबल आइटम आपके साथ है, वो सेंटर के बहुत दूर तक आपको वो फिनिश करना है, आपको साथ नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर आप साथ ले गए तब भी वो वहाँ पर बाहर आपसे रखवा देंगे।
तो बेहतर है कि आप खुद ही वहां पर उसको नहीं ले जाएं, आप कंप्लीट होके जाएं। इसके साथ साथ आपके पास कोई मेटेलिक या नॉन मेटेलिक थिंग्स नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ चेकिंग के टाइम बहुत टाइम लगे और वो आपको वहाँ पर रखना पड़े। तो बेहतर है कि आप घर से ही वो ना ले जाएं। उसके साथ आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं वेयरिंग करना है। गर्ल्स जैसे ईयरिंग्स है, नोज पिन है, कोई भी आपका गले का है कोई सेट, कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है। नॉन ज्वेलरी से ही आपको जाना है वहाँ पर, तभी आपका अच्छे से वहाँ पर चेकअप होने में आपको सुविधा रहेगी। ज्वेलरी में आप कुछ भी नहीं पहने तो ही बेहतर है। इसके साथ साथ कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने साथ नहीं ले जाए। एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपका चेकअप होगा, पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप उसके पहले ही वो नहीं ले जाए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत सारी चीज़ जैसे कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ये ईयर फ्री जो भी है आपके, हैंड फ्री, ये कोई भी चीज़ आप नहीं ले जाए। नीट 2020 एग्ज़ाम के लिए ये बैंड है। इसके साथ आप कोई केप, स्कार्फ, दुपट्टा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप थोड़ा सा कोई किसी चीज़ को हिडन कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप ना ले जाए, तो ही आप एग्ज़ाम के लिए सही सेफ्टी के साथ और आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पीसफुली आप उस एग्ज़ाम सेंटर में इंटर कर पाएंगे। इसके साथ साथ गर्ल्स जो कि हैंडबैग कैरी करती है, कोई भी हैंडबैग आपको नहीं ले जाना है, कोई भी स्टेशनरी आइटम आपको नहीं ले जाना है, स्केल वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है आपको। आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, फोटो आईडी ले जाना है और आपको सबसे ज़्यादा मैंडेटरी इस साल जो है वो ग्लव्स, मास्क और आपका सैनिटाइजर ले जाना है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशन यूज़ करने हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट से एंड तक आपकी सीट पर बैठे रहे। फिर भी अगर आपको कुछ इमरजेंसी में जाना हो तो आप सेफ्टी के साथ जाएं, सेफ्टी के साथ आएं, सैनिटाइजर यूज़ करें। और फ्रेंड्स, ये जो नीट 2020 एग्ज़ाम हो रही है, सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पर्सनली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एनटीए तो बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रामिंग कर रही है और बहुत अच्छा सा उन्होंने प्लान किया है कि हर स्टूडेंट सेफ रहे, हेल्दी रहे। बट मैं सारे स्टूडेंट से बोलूँगी कि इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और आप सभी स्टूडेंट्स को नीट 2020 के लिए मेरी ओर से, मेरी टीम लक्ष्य MBBS की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।